हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। नगर विकास एवं आवास विभाग का फ्रेंड्स यहां पर लेटेस्ट अपडेट आया है। आज का अपडेट है 17 जुलाई 2019 का, कि जो फ्रेंड्स बिहार में एक और नई भर्ती आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग में भर्ती होने जा रही है इंजीनियर का। जी हाँ फ्रेंड्स, इंजीनियर के पदों पर जो है नियुक्ति होने जा रही है, जिसमें कि पदों की संख्या है 716, बहुत ही ज़्यादा पद है। जी हाँ फ्रेंड्स, और आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बिहार में नई भर्ती आ चुकी है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन मौका है ये नौकरी पाने का। और फ्रेंड्स, एक और भर्ती आई हुई है सहायक अभियंताओं के 300 पदों पर जो है बहाली होने जा रही है। ये भी आज का अपडेट है, वीडियो अपलोड कर दिया जाके आप लोग देख सकते हैं पूरा अपडेट। और फ्रेंड्स, बिहार में जो है एक और नई भर्ती चल रही है, जो कि सभी प्रखंडों में नियुक्ति अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा नौकरी है और जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर सब उपलब्ध है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जो कि लास्ट डेट है 14 अगस्त 2019, बहुत लंबा डेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, बड़ी खुशखबरी ये है कि मानदेय में बढ़ोतरी हो चुका है। लगभग 16,000 से अधिक आपको मिलने वाला है मानदेय, पहले जो है आपको 11,000 मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और लेडीज सुपरवाइजर का जो भर्ती चल रही है बिहार में, उसका जो है हार्ड कॉपी कहाँ भेजना है, इसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन था आप लोगों को, तो इसका लेकर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप लोग जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर नौकरी चाहिए तो फॉर्म को सही जगह भेजना जरूरी है। और जो है लेडीज सुपरवाइजर का मानदेय प्लस यात्रा भत्ता क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ये वीडियो भी मैंने बनाया है सेपरेट से, आप लोग जाके देख सकते हैं। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नया अपडेट आ चुका है कि स्नातक जो परीक्षा है वो विज्ञापन जो है अगस्त में आ जाएगा अगले महीने। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल नई भर्ती है बिहार के लिए, जो कि 1,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में 13,000 जो है स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होने वाली है, इसका जो विज्ञापन भी बहुत जल्द आ जाएगा, बिल्कुल नई भर्ती का अपडेट है, ये जाके आप देख सकते हैं, ये भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और लेडीज सुपरवाइजर का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा और 15 अंक बोनस आपको कैसे मिलेगा, ये वीडियो भी आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और ऑनलाइन करने के बाद आपको जो है हार्ड कॉपी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है और चरित्र प्रमाण पत्र आपको कैसे बनवाना है, इसको लेकर मैंने वीडियो बना दिया, आप जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, समाज कल्याण विभाग बिहार तरफ से नई भर्ती चल रही है कि सामाजिक कार्यकर्ता से अर्ली चाइल्डहुड और आया के पद पर, जो कि सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है आपका 19 जुलाई को, और इसका अप्लाई कैसे करना है ये सब मैंने बताया इस वीडियो में, तो जाके आप इसे वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग देखिए। और चलिए अब शुरू करते हैं कि जो नई भर्ती आई है बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग में इंजीनियर का, उसका पूरा अपडेट दिखाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और जॉब्स की अपडेट आप सबसे पहले चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं यहाँ पर, यह आज के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में आया आर्टिकल कि बुटको नहीं बल्कि सरकार करेगी इंजीनियरों की नियुक्ति। जी हाँ फ्रेंड्स, बुटको जो है एक संस्था है, एजेंसी है, जो कि पहले इंजीनियरों की बहाली करते थे, लेकिन अब जो है बुटको से वो अधिकार छीन लिया गया है, अब जो है बिहार सरकार खुद जो है इंजीनियरों की नियुक्ति करेगी। तो उसका पूरा अपडेट क्या है आपको हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बदलाव की तैयारी, बुटको में 872 पद हैं इंजीनियरों के और इनमें से 716 हैं खाली। बुटको में BRJP डूडा का हो गया है विलय, 156 इंजीनियर अभी कार्यरत है बुटको में, बुटको का आकार बड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं इसका पूरा अपडेट स्टेप बाय स्टेप। राज्य सरकार अब बिहार शहरी आधारभूत संरचना परिषद यानी कि बुटको के अधिकार में कटौती करने जा रही है। इंजीनियरों को जो पद अब तक बुटको के अधीन थे, वे जल्द जो है नगर विकास एवं आवास विभाग के पास चले जाएंगे, और यानी इंजीनियरों की नियुक्ति से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा अधिकार जो है नगर विकास विभाग के पास होगा। अब तक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग बुटको के प्रबंधन निदेशक द्वारा किया जाता है। बीते दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। दरअसल हाल ही में बुटको में बिहार राज्य परिषद जो है BRJP और डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी डूडा का विलय हो गया था। इस विलय से बुटको का आकार जो है काफ़ी बड़ा हो गया। वर्तमान में वहां जो है अवर अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक कुल जो है सृजित पदों की संख्या 872 है, और इसके विपरीत कुल जो है 156 इंजीनियर ही कार्यरत हैं। इनमें से 86 संविदा पर हैं, बाकी BRJP और डूडा से संबंध है, जबकि 716 पद अभी भी खाली पड़े हैं।
और इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भी बुडको की ओर से राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो प्रस्ताव है भर्ती का, नियुक्ति का, वो भी राज्य सरकार को चला गया है फाइल, ठीक है फ्रेंड्स। और लेकिन जो है राज्य सरकार अब बदलाव करने जा रही है, इस बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सृजित पदों पर नियमित सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, ये जो जितने भी नियुक्ति हैं 716 पदों पर, ये सभी जो है बिल्कुल जो है आपको परमानेंट जॉब होगा, नियमित नियुक्ति की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ही इन इंजीनियरों का पदस्थापन बुडको और नगर निकायों में करेगा। वहीं बुडको में पहले से स्वीकृत पदों के विपरीत फिलहाल संविदा पर काम कर रहे हर स्तर के इंजीनियरों की सेवा बरकरार रखी जाएगी। जैसे जैसे उनकी संविदा समाप्त होगी वैसे वैसे पद नगर विकास विभाग के अधीन चले जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं पहले से, तो उनका जो संविदा खत्म हो जाएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनको जो है नगर विकास विभाग में आपको नियमित फिर से नियुक्ति खुद ऑटोमेटिक शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस प्रस्ताव को प्रशासनिक पदवर्ग समिति की स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है और वहाँ से जैसे ही हरी झंडी मिलती है कैबिनेट में भेज दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ा खुशखबरी है। बिहार राज्य के अंतर्गत जो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सरकार जो है नियुक्ति करने जा रही है, उसका जो प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है और बहुत जल्द जो है कैबिनेट में भी ये पास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग में अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे भी अपडेट मिलते रहे, तो जैसे ही कोई आएगा अपडेट, हम सबसे पहले वीडियो लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई वीडियो इसके रिगार्डिंग में अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।